गरीब परिवार की महिला कभी सपना भी नहीं लेती थी कि उसके पास रसोई गैस का सिलेंडर होगा। धुएं से उसको परेशान होना पड़ता था, लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती थी। पहले 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध आदरणीय मोदी जी ने करवाया, और जब ये हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, तो उनको चिंता मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता बन जाती है। एक और उनके खाते में 3 महीनों तक लगातार 500-500 रुपये हम डालेंगे। मनरेगा में उनको लाभ मिलेगा, दिहाड़ी बढ़ा दी है। अब रसोई गैस का सिलेंडर के लिए उनको दिक्कत ना हो तो अगले 3 महीने तक ऐसी 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, जिनको उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर मिला था, उनको मुफ्त में अगले 3 महीने तक रसोई गैस के सिलेंडर मिलते रहेंगे। ना उनको अन्न की चिंता होगी, ना गैस की चिंता होगी, और ना ही खाते में पैसा खत्म हो जाए इसकी चिंता होगी, क्योंकि उसमें भी पैसा डालने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो अन्न, धन और गैस, यहां तक की चिंता सारी की सारी मोदी जी ने देखी है, और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने पिछले कल ही घोषणा की है। ऐसे 63 स्वयं सहायता समूह जो इस देश में काम कर रहे हैं, और लगभग देश के 7 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं। इन परिवारों के लिए, या मैं कहूं इस 63 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए, जो NRLM के माध्यम से 10 लाख रुपया मिलता था कि आपको कलेक्टरल नहीं देनी पड़ती, यानी कि अपनी कोई संपत्ति नहीं देनी पड़ती थी, गारंटी नहीं देनी पड़ती थी, कोई कीमती चीज बैंक को नहीं देनी पड़ती थी, वो जो 10 लाख आपको मिलता था, अब उसकी बजाय 20 लाख मिलेगा, ताकि इस कठिन समय में भी आप और काम कर सके, क्योंकि बहुत सारे अवसर नीचे जब पैदा होंगे तो उसके लिए धन का अभाव ना हो, तो ये भी आपके लिए यहां पर प्रावधान किया गया है। और जब हम ये कहते हैं कि 7 करोड़ लोग या 7 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि उन 7 करोड़ परिवारों के 35 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता है। अगर 20 करोड़ बैंक खातों में पैसा डाला जाता है तो 100 करोड़ लोगों तक उसका लाभ मिलता है। अगर 8 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया जाता है तो 35 से 40 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता है। इसलिए ये बहनों तक इसका लाभ मिले और इसको और फल मिले, इसका प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा जो दाल इनको मिले, तो 1 किलो दाल का प्रावधान भी परिवार के लिए किया गया है, और ये भी अगले 3 महीनों तक लगातार मिलती रहेगी। ये भी अपने क्षेत्र के अनुसार जिस तरह की दाल वो चाहते हैं वो उपलब्ध करवाने का सरकार का प्रयास रहेगा, ताकि उनकी मांग के अनुसार ही वो उनको मिल सके। तो गेहूं चावल के साथ साथ दाल भी मिलेगी, और ये 1,70,000 करोड़ के जो PM गरीब कल्याण पैकेज है उसका हिस्से का एक पार्ट ये भी।